और उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और कृषि विभाग की पहल के तहत राजधानी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ई खसरा पड़ताल ऐप का शुभारंभ किया है। इस दौरान एग्री स्टेक योजना का उद्देश्य भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाना है। भारत सरकार ने करीब 2023 में 10 राज्यों में एक पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा कार्य करके दिखाया है। एग्री स्टेक योजना के प्रबंधन के लिए सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयारी से काम कर रही है। प्लांट डिजिटल प्लांट सर्वे की व्यवस्था की गई है। अभी हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए थे और उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। आज इसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के हर प्लॉट का क्या आच्छादन है एग्रीकल्चर प्लॉट का, यह सटीक जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को हो सकेगी और भारत सरकार को भी रहेगी। उससे कितना हमारा कौन से क्रॉप लगे हैं इसकी जानकारी होगी, प्रोडक्शन उसमें कितना होना है उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ जो प्लॉट पर पोजीशन किसका है, जो रेवेन्यू डिस्प्यूट हैं उनको समाधान किए जाने की दृष्टि से भी यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और इसका हम लोगों ने खरीफ में पायलट प्रोजेक्ट चलाए 21 जनपद पूरे तरीके से।